राजी, इंदौरिया टाइम्स की एक मुहिम चल रही है जिसके अंतर्गत मेड फॉर ईच अदर के रिगार्डिंग हस्बैंड वाइफ से रिलेटेड हेल्दी मैसेज कवर किए जा रहे हैं। आप किस तरह से लेते हैं हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को? लाइफ पार्टनर का आपकी लाइफ में क्या एक स्थान है? वाइफ का तो क्या है सर कि वाइफ ही केयरिंग नेचर की है, पेरेंट्स का ध्यान रखती है, बच्चों का ध्यान रखती है, फिर फैमिली का और ध्यान रखती है। बाकी कोई बिजनेस के रिलेटिव कभी कोई दिक्कत आती है तो भी उससे सॉल्व आउट हो जाता है। कभी स्ट्रेस होता है बिजनेस से, कहीं चलते रहते हैं प्रॉब्लम, कभी आगे बिजनेस से आए शोरूम से आए तो पूछ लिया कैसे हो, क्या बात हो गई, कभी ऐसी ये दिक्कत है तो पूछ लेती है उसी सॉल्व आउट सॉल्यूशन। फॉर मैरिज से यदि कंपेयर करें अपन, तो क्या कुछ खास परिवर्तन आपने अपने अंदर पाया कि शादी के बिना वो परिवर्तन संभव था ही नहीं? थोड़ी मैच्योरिटी आ गई, थोड़ा पेरेंट्स का ध्यान ज़्यादा हमने चालू कर दिया। पहले थोड़ा सा था कि फ्री थे, अब थोड़ा सा पेरेंट्स से केयर करती है तो मुझे भी लगता है कि भाई पेरेंट्स का ध्यान रखा जाए, बच्चों का ध्यान रखा जाए, फैमिली को टाइम दिया जाए। बॉन्डिंग जो होनी चाहिए हस्बैंड वाइफ के बीच में वो कैसी होनी चाहिए? बॉन्डिंग हस्बैंड वाइफ में साफ सुथरी होनी चाहिए, आप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक दूसरे के बात को शेयर करनी चाहिए, कोई बात की अंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे को बता दिया जाए कोई बात हो तो। सोशल मीडिया का क्या रोल मानते हैं आज रिश्तों को तोड़ने में? सोशल मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आप क्या लगता है? कुछ हद तक निभा रहा है, एक्सपोज करना चीज़ों को, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना, थोड़ी सी तो गैपिंग रहनी चाहिए। यंग जनरेशन के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, रिश्तों को किस शिद्दत से निभाया जाना चाहिए? दोनों अपने हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में सम्मान करें, एक दूसरे से बात शेयर करें, अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम दें।